का वजन बढ़ रहा है और वो हमें संपर्क करते हैं कि आचार्य जी क्या करें कि हम घर पर कुछ ऐसा करें कि हमारा वजन कंट्रोल में रहे, क्योंकि वेट गेन या वजन बढ़ना सिर्फ वजन बढ़ना ही नहीं होता, वो अपने साथ साथ और भी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आता है। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम आर्म्भ करते हैं सीधा सीधा अपने बाजू से, आर्म्स से। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो शरीर से तो पतले होते हैं, उनको जब भी वजन बढ़ता है तो सीधा सीधा बाजू पे ही फैट आता है और वो बहुत परेशान रहते हैं कि आचार्य जी किस तरह से हम बाजू पर से वजन को घटा सकते हैं, चर्बी को छटा सकते हैं। तो अपने आर्म्स को फिट और टोन रखने के लिए बहुत ही सरल सी दो क्रियाएँ आप करेंगे। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे या फिर इन्हें खड़े होकर के भी आप कर सकते हैं। इस स्थिति में बैठना और अपने हाथों को अपने कंधों की ही लेवल पर सामने सीधा कर देना, और सीधा करके इसको करते हुए आपको हल्का सा स्ट्रेन बाजू पे पड़ेगा, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। कहते हैं ना, नो गेन विदाउट पेन। तो थोड़ा सा दर्द तो सहना पड़ता है कुछ भी प्राप्त करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो और तब भी आप करते रहें। ये भी अगर नो गेन विदाउट पेन सत्य है तो यो मज़ा है सज़ा नहीं, जो वंदनीय गुरुदेव कहते हैं वो भी सत्य है। इसलिए अपने साथ जाती बिल्कुल नहीं करना, जितना ईजिली कम्फर्टेबल कर सकते हैं। और वैसे भी आप घर पर कर रहे हैं तो अपने साथ किसी भी तरह की जाती नहीं करना। और ये ध्यान रखना कि हम ये क्रियाएं इसलिए कर रहे हैं ताकि इन विषमतम परिस्थितियों में भी हम स्वस्थ रह सकें, अच्छा अनुभव कर सकें। इसलिए नहीं कि हम घर पर ही कुछ गड़बड़ कर लें, बहुत ज़्यादा कसरत कर लें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें और फिर बीमार पड़ के बैठ जाएँ। नहीं, उतना करेंगे जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, उतना करेंगे जो आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाए, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाए, और उतना करेंगे जितना करने से आपको लाभ हो, नुकसान ना हो। तो इस प्रकार से कमर को सीधा करके बैठना, हाथों को कंधों के लेवल पर ले आना और यहाँ ला करके क्या करना है, सिर्फ बहुत माइल्ड मूवमेंट है बट बहुत इफेक्टिव। अप डाउन, अप डाउन, इस तरह से कम 100 बार एक राउंड में। अब इसमें इतना ऊपर ऊपर मूवमेंट नहीं करना, दिस इज ईजी। यहीं पर ला करके सिर्फ इतना मूवमेंट, अप डाउन, ऐसा 100 बार करेंगे आप। 100 बार करने के बाद हाथों को ढीला छोड़ देंगे। 100 repetitions का एक राउंड, पहले एक राउंड से शुरू करें, बढ़ाते बढ़ाते 3 rounds तक ले जाएं। दूसरे स्टेप में इसी प्रकार से हाथों को कंधों की सीध में लाना और चक्र, छोटा सा सर्कल, ऐसे बड़ा बड़ा सर्कल नहीं बनाना है, हमें कंधों की एक्सरसाइज नहीं करनी, बाजू की करनी है। हल्का सा छोटा सा सर्कल बनाना, 50 बार क्लॉकवाइज, 50 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये करते करते ये आपको बाजू में हल्का सा हैवीनेस लगने लगेगा, इतना इफेक्टिव है। लेकिन माइल्ड करेंगे पर करेंगे ज़रूर। ऐसा करना, हाथों को ढीला छोड़ देना। सो 50 clockwise, 50 anti-clockwise, यानी एक राउंड 100 का हो गया, 3 rounds तक आप इसे करेंगे। तीसरा, जिसे गुरुदेव कहते हैं प्रहार गति, यानी हैमर जैसी मूवमेंट हमें करनी है। कैसे करेंगे, इस तरह से हाथों को अपने कोहनियों से फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत आवश्यक है, इसको ध्यान से समझिए। 2 rounds इसके भी हम करेंगे। इस स्थिति में रहना, तो एक हाथ तो पीछे ही रहेगा, पहले दाएं हाथ से ये जैसे आप हैमर हिट करते हैं, इसको 10 बार दोहराना, फिर इसे यहीं ले आना, फिर बाएं हाथ से 10 बार दोहराना जैसे आप हैमर हिट कर रहे हैं उस तरह से, और फिर तीसरे स्टेप में दोनों हाथों को ऐसे मिला लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे, और झटके के साथ नहीं करना, सूदिंग मूवमेंट होना चाहिए आपका, स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए। इसको भी 10 बार करना, हाथों को वापस ले आना, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना। ये बहुत आसान सी क्रियाएं आप नियमित रूप से करें ताकि आपके बाजू शेप में रहें, एक्टिव रहें, सोफे पर पड़े ना रहें, जिसे हम काउच पोटैटो कहते हैं। घर का काम अपने आप करें, चलना फिरना घर पर जारी रखें, नियमित रूप से योगाभ्यास करें, हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें।